ऐसे एक मेरा लूप दे रखा है, एरे दे रखा है 0 1 0 3 और 2 12। इसको कैसे करेंगे? चलो अब मेरा एक अप्रोच ध्यान से सुनना, अब मेरा एक अप्रोच ध्यान से सुन। मैंने आई ले लिया यहां पे और मैंने जे ले लिया यहां पे, ठीक है। स्टेप वन, मैंने बोला भैया इफ 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 नम्स ऑफ आई इक्वल इक्वल्स टू 0, इफ नम्स ऑफ आई इक्वल इक्वल्स टू 0, ठीक है भैया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एंड एंड नम्स ऑफ जे नॉट इक्वल्स टू 0। अब बताओ मैं यहां करने की क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं ना, मैं चेक कर रहा हूं ना, मैं चेक कर रहा हूं ना कि आई की जगह पे 0 हो और जे की जगह पे 0 ना हो, यही हो रहा है, यही हो रहा है। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू आ जाती है, कंडीशन ट्रू आ जाती है तो स्वाइप कर दो, स्वाइप कर दो, ठीक है। स्वाइप करने का कोड सिंपल सा है, उसे हम देख लेंगे, बस मैंने लिख दिया है कि स्वाइप कर दो। अच्छा अगर हम स्वाइप कर देंगे, अगर हम स्वाइप कर देंगे तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी? लेट्स मेक इट, लेट्स मेक इट। मैंने बोला यहां आ जाएगा 1 और यहां आ जाएगा 0। अच्छा जब आप स्वाइप करोगे वैल्यू को, जब आप वैल्यू को स्वाइप करोगे तो जब स्वाइप होगा तो इंक्रीज कर दो वैल्यू को, किसको? आई को कर दो प्लस प्लस और जे को कर दो प्लस प्लस। देखो मैं भी अप्रोच कर रहा हूं, ठीक है, हो सकता है इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर दें, लेकिन ध्यान से सुनना अभी, ठीक है, कि आई को प्लस प्लस किया, क्या ये अप्रोच काम करेगा मेरा? क्या ये अप्रोच काम करेगा मेरा कि मैंने आई को भी प्लस कर दिया और जे को भी प्लस कर दिया, तो मैं क्या कह सकता हूं ऐसा कि मेरा जो अब आई की वैल्यू है वो यहां आ गई और जे की वैल्यू यहां आ गई, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट? हाँ चलो अब मैंने एक और कंडीशन लगाई यहां पे, एल्स इफ ए आर आर ऑफ, चलो अभी मैं नम्स, यार मेरे को ना ए आर आर लिखने की आदत है, ठीक है मैं नम्स कर देता हूं, मैंने बोला नम्स ऑफ आई, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 एंड नम्स ऑफ जे, सॉरी सॉरी नॉट इक्वल्स टू, जो तो हम कवर कर चुके हैं ना ऊपर ही, तो मैंने बोला कि नम्स ऑफ आई इक्वल इक्वल्स टू 0, नम्स ऑफ जे इक्वल इक्वल्स टू 0। अगर दोनों 0 के बराबर हैं तो क्या स्वैपिंग होनी चाहिए? बताओ मुझे ध्यान से देख के, क्या दोनों 0 के बराबर हैं तो क्या स्वैपिंग होनी चाहिए? अगर स्वैपिंग कर भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, 0 0 में स्वैप हो जाएंगे, राइट? बट नीड नहीं है स्वैपिंग की, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर मैंने यहां पे आई प्लस प्लस कर दिया था ऊपर और जे प्लस प्लस कर दिया था, अगर मैं यहां पे आई प्लस प्लस कर दूंगा और यहां पे जे प्लस प्लस कर दूंगा तो बात ना खराब हो जाएगी, क्योंकि हम अपना जो ट्रैक कर रहे हैं ना 0 को पॉइंटर से, देखो हमेशा ध्यान रखना, आई को मैं यूज कर रहा हूं 0 को ट्रैक करने के लिए, जे को मैं यूज कर रहा हूं नॉन 0 ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा दोनों को, तो लेट सपोज मैंने आई और जे की वैल्यू आगे कर दी, तो लेट सपोज मैंने आई की वैल्यू यहां रख दी और जे की वैल्यू यहां रख दी, तो एक 0 पीछे छूट गया, हाँ एक 0 पीछे छूट गया, तो क्या करेंगे इस केस में बताओ? ऐसे टी वर्क करके क्वेश्चन करते हैं यार, ऐसे थोड़ी ना करते हैं, मैंने आई को यहीं रख दिया, हाँ नीरज ने सही जवाब दिया, भैया जे को इंक्रीज कर देंगे, बढ़िया बढ़िया, मैं यही सुनना चाहता था, जे को इंक्रीज कर दिया, और इस सिलसिले को उठा के मैं इधर रख देता हूं, तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। अब मैं एक और कंडीशन लिखता हूं,
अब मैं एक और कंडीशन लिखता हूं भैया। अब वो कंडीशन क्या होगी कि अब देखो दोबारा से बताओ, इस कंडीशन के बाद लूप चला, ठीक है, अब तुम्हारी लूप चल रहा है, तो फिर से यहां से आएंगे हम, यहां से आएंगे, अब यहां पे मैच होगा, नम्स आई इक्वल टू जीरो एंड नॉट जे नॉट इक्वल टू जीरो, क्या ये कंडीशन मैच हो गई? क्या कंडीशन मैच हो गई? स्वाइप कर दे, स्वाइप कर दे, हाँ, इसको 3 को हटाओ, यहां डालो, तो क्या वैल्यू हुई? ये स्वाइप हुआ है, 0 यहाँ आ गया, ठीक है। अब आई और जे की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, आई और जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी, हाँ भैया, तो मैं कह सकता हूं कि जे यहां पहुंच गया, और मैं कह सकता हूं कि आई यहां पहुंच गया, हियर, राइट? नहीं, यहीं पे था, कहीं और था? हाँ यहां पे था, आई यहां पहुंच गया, राइट? राइट, अब बताओ मुझे, अगर ये कंडीशन चल गई, ये कंडीशन चल गई, ठीक है, अगर ये कंडीशन चल गई तो क्या ये चलेगी? क्या ये वाली कंडीशन चलेगी? इफ एल्स में मैंने क्या सिखाया था? नहीं चलेगी ना। हाँ, अब फिर से हम यहीं पे आए, फिर से हम यहीं पे आए, क्या कंडीशन फिर से लाई हो रही है? क्या कंडीशन फिर से लाई हो रही है? हाँ भैया, लाई हो रही है। अब क्या करेंगे? 0 को हटाओ और 12 को हटाओ, तो 12 को यहां डालो और 0 को यहां डालो, और आई को आगे बढ़ा दो, जे को आगे बढ़ा दो, ठीक है, तो आई को मैंने यहां कर दिया और जे को मैंने यहां कर दिया, देखो, बट यहां पे कोई इंडेक्स नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे लूप में कि एरे कभी भी आउट ऑफ इंडेक्स ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए, एरे आउट ऑफ इंडेक्स ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन यहाँ पे एक केस फंसता है, अगर तुम लोग थोड़े से स्मार्ट होगे समझ जाओगे, ठीक है, तुम्हारा इंटरव्यूअर तो इसमें भी तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर कर देगा, लेकिन अगर स्मार्ट इंटरव्यूअर होगा वो तुमसे एक चीज जरूर पूछेगा, क्या पूछेगा पता है? मान लो कि कोई एरे इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ इतना सा है, कितना सा, कि उसमें 1 पड़ा हुआ है और 0 पड़ा हुआ है, अब लगाओ ये कंडीशन, आई यहां पे आ गई और जे यहां पे आ गई, राइट, अब लगाओ ये कंडीशन, क्या आई और जे इक्वल है? क्या आई में क्या पड़ा? नॉन जीरो, इसमें 0, क्या ये कंडीशन चलेगी? क्या ये कंडीशन चलेगी? चलेगी, फिर स्वाइप हो जाएगी अगर चेक नहीं करेंगे तो, राइट, तो अगर ऐसी कहीं पे ये ऐसे केसेस फंसते हैं तो उसको हम एल से ट्रीट कर लेंगे, अगर ऐसे कहीं पे केसेस फंसते हैं तो देख लेंगे, नहीं तो तुम्हारा इतने से काम हो जाएगा, ठीक है, मतलब काम मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, अगर कोड में थोड़ी सी अगर ट्विक करना हुआ तो वो हम रन टाइम पे कर लेंगे, तो क्या मैं कोड को लिख दूं? क्या मैं कोड को लिख दूं? पहले यही लिख देता हूं मैं, इंटेलिजेंट में लिख देता हूं, ठीक है, मैंने इंटेलिजेंट में लिख देता हूं, मैंने बोला मैंने एक इंटेलिजेंट जे ले लिया, उसको मैं एक से स्टार्ट करता हूं, एक से स्टार्ट कर, देखो अब जो कहानी मैंने यहां पे बुनी है, जो कहानी मैंने यहां पे बुनी है, उस कहानी को मुझे कोड में उतारना है, कोड में उतारना है, मैंने एक जे लिया था जो आई से एक कदम आगे चलता था, तो एक कदम आगे रख लिया, ठीक है, अब इंटीजर आई इक्वल टू 0 कर दिया क्योंकि आई एक कदम पीछे चल रही है, हाँ, अब मैंने एक केस लिया था कि मैं जब भी लूप करूंगा तो मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए, आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए, तो उसको हम कहाँ चेक करते हैं लूप में? उसको लूप में हम कहाँ चेक करते हैं? कहाँ चेक करते हैं? देखो यार, तुम लोग आंसर नहीं देते हो फिर मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, अरे लूप में कंडीशन में चेक करेंगे ना दोस्त, कैसे लोग हो यार, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तुमको लगता है मुझे, हाँ, अल्ताफ ने आंसर दिया कि मैं एक चीज चेक करूंगा भैया कि अगर जो मेरा वाइल है
और जे की वैल्यू है वो कभी भी ए आर आर लेंथ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या मेरा काम हो जाएगा? हमेशा छोटी रहनी चाहिए, है ना? हाँ, अगर मैंने बोला कि इफ ए आर आर ऑफ आई इक्वल इक्वल टू जीरो एंड एंड ए आर आर ऑफ जे नॉट इक्वल टू जीरो, स्वाइप कर दो। स्वाइप का मतलब देखो, इंटीजर एक टेम्पररी वेरिएबल लिया जिसमें ए आर आर किसकी वैल्यू, जे की वैल्यू डाल दी, ठीक है, और ए आर आर और जे में ए आर आर ऑफ जे पे ए आर आर आई की वैल्यू डाल दी, ठीक है, और ए आर आर ऑफ आई में ए आर आर ऑफ आई में टेम्प डाल दिया, टेम्प डाल दिया, यही है, यही है। हो गया, हो गया स्वाइप, हो गया। देखो, किसी को नहीं समझ में आया तो पहले एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया, उसमें जे की ए आर आर ऑफ जे की वैल्यू होल्ड कर ली। मतलब देखो, यहां से देखो, वन है, वन को टेम्प में डाल दिया, ठीक है, और आई की वैल्यू टेम्प में डाल दिया, यानी कि जीरो डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, और आई पे वन डाल दिया यहाँ पे। समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। चलो, अब मैंने बोला कि एक एल्सिफ लेंगे, एक एल्सिफ लेंगे, इसमें ए आर आर ऑफ आई अगर इक्वल इक्वल टू जीरो होता है एंड एंड ए आर आर ऑफ जे इक्वल इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे? देखो, ऊपर मैंने एक चीज छोड़ दी, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। ऊपर मैंने एक चीज छोड़ दी, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, राइट? ठीक है भैया, अब इसमें क्या करेंगे, सिर्फ जे को प्लस प्लस करेंगे। बढ़िया, अगर मैं यहां से इस मेथड को कॉल करवा दूं ए आर आर भेज के, ठीक है, फिर मैं अपने एरे को प्रिंट करवाऊं। एरे को प्रिंट करवाने का शॉर्टकट तरीका, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग और ए आर आर, ठीक है, मैंने रन करा दिया, मैंने रन करा दिया, देखते हैं कुछ एरर होगी, सॉल्व कर लेंगे। स्वाइप कर दिया, एल्सिफ लिख दिया, क्या मेरा काम हो गया, क्या मेरा काम हो गया? हाँ, हो गया। अब मुझे एक चीज बताना, ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, अगर तुम थोड़े से थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाओगे तो अभी ये एरे नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना एरे है, सिर्फ इतना एरे है, तो इसके लिए तुमने कोई कंडीशन लिखी है 0 1 के लिए? देखो, देखो, मेरा ये एरे है 0 और 1, यहां पे आई आ गया, यहां पे जे आ गया, तुमने ऐसी कोई कंडीशन लिखी है कि ए आर आर, या मैं कह रहा हूं नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई इक्वल इक्वल टू 0 और नम्स ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0 लिखी है, लिखी है ना? तो ये भी हो जाना चाहिए, बेस केस भी हो जाना चाहिए, चला के देखें एक बार। चलो, हो गया, हो गया, यानी कि तुम्हारा बेस केस के लिए भी चल रहा है। दूसरा बेस केस भी देख लेते हैं, 1 0, ये देखो जरा, ये देखो, ये इनफाइनाइट लूप में चला गया, क्यों, क्यों बताओ? क्या तुमने यहां पे अगर कंडीशन लिखोगे, अगर मैंने यहां पे कंडीशन लिखी 1 और 0, तो ऐसी कोई कंडीशन है नम्स ऑफ आई इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है? है कहीं ऐसी कंडीशन, बताओ? देखो, पहली कंडीशन में तुमने लिखा है कि नम्स ऑफ आई 0 होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन में भी तुमने यही लिखा है, कहीं ऐसी कंडीशन है? इस क्वेश्चन में यही बेस केस है। दिखाऊं तुम्हें, दिखाऊं तुम्हें ये बेस केस कैसे है ना? ये देखना, देख, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, ये सेम कोड उठाओ, सेम कोड उठाओ,
ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट मारो। मेरा लॉगिन है क्या? लॉगिन नहीं होगा, एक सेकेंड रुको, मैं क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ तुमको दूसरी स्क्रीन, एक सेकेंड। लीड कोड क्या था? मूव 0 लीड कोड, इस पे लॉगिन होगा, अभी शेयर करता हूँ। एक सेकेंड देना मुझे बस। देखो ये रहा, और ये मेरा इंटेलिजेंट नोट पैड। ओके, ये सब शेयर कर दिया मैंने। तो देखो, मैंने लॉगिन किया अपनी आईडी से, ठीक है, और इसमें मैंने जो मेरे कोड थे वो मैंने कॉपी पेस्ट डाले। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ये हमारा वो था इनकॉग्निटो जिसमें हम काम कर रहे थे, इसमें लॉगिन करना पड़ता, इसे मैंने यही लॉगिन कर लिया। हाँ, अब देखो एक चीज, ये प्रैक्टिस किरण, लाइक यू विल बी सॉल्विंग ऑल दिस क्वेश्चन, यू विल गेट ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब देखो, हाँ ये, और एक और चीज, अगर इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट, देन व्हेन यू राइट योर कोड ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो व्हेन यू आर सबमिटिंग इट कि ऐसा कोई एज केस है। कैसे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने अभी कोई एज केस कवर नहीं किया। अगर ऐसा कोड तुम इंटरव्यू में लिख दोगे, ठीक है, चल जाएगा, नो डाउट तुम्हारा सिलेक्शन है, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर एज केस के लिए बोलेगा तब तुम्हें सॉल्व करना है। ओके, हाँ अमन, राइट राइट, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं इसको सबमिट करता हूँ भैया, ठीक है। सबमिट कैसे करता हूँ? और बिना रन किए, अरे जल रहा है अपना। देखो, हमने ARR से लिखा था कोड तो गलत हो गया, तो इसको ARR कर दो बस, कोई दिक्कत नहीं है। देखो टाइम लिमिट एग्जिस्ट हो गई, ये देखो आया, इसके लिए फेल हो रहा है, आया चमका, चमक रहा है, देखो इसके लिए फेल हो गया, मतलब इसके लिए। अब टाइम लिमिट देखो, इसकी भावनाओं को समझो, कोड को समझो। टाइम लिमिट कब एग्जिस्ट होगी? जब हम इनफाइनाइट लूप में जाएंगे, क्योंकि कहीं ब्रेक ही नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ना। तो इसका मतलब मेरे कोड में इस इनपुट के लिए कहीं ना कहीं ऐसा कोड लिख रहा है जो ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब कंडीशन मैच नहीं हो रही है, राइट? समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ऐसा कोड लिख रहा है जो कंडीशन मैच नहीं कर पा रहा है, और वो इनफाइनाइट लूप में जा रहा हूं मैं, जैसे ही उसको पुश कर रहा हूं, यस या नो, यस या नो। नहीं समझ में, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा तुम्हें, नहीं समझ आएगा तीसरी बार समझाऊंगा, बट मेरे साथ रहो, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है। ओके, समझो बस मेरी बात को समझो। हाँ संजय, मैं फिर से रिपीट करूंगा, बट तुझे यहां तक समझ में आया ना, ये बता मुझे। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आस्क मी 100 टाइम, मैं 50 बार समझाऊंगा, ठीक है। मैंने बोला कि यहां से इसके लिए समझ में आया ना, कि हमें यहां पे इसके लिए कोड लिखना है। अब देखो मुझे कैसे समझ में आया, मैंने पहले इंटेलिजेंस में डाला, अभी तुम्हें डिबग करना भी बताऊंगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना तुमने, एक एल्स कंडीशन लिखो, एक एल्स कंडीशन लिखो, और यहां पे आई को कर दो प्लस प्लस, और जे को कर दो प्लस प्लस, बस। कि अब जो भी आए इस कंडीशन के अलावा, जो भी आए, अब भैया आपको कैसे पता पला कि आई प्लस प्लस कर देंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे? अब जरा ध्यान से देखना, इस एरे में तुम्हें कुछ काम करना है, कुछ स्वैप करना है, बताओ। ये पहले से आउटपुट एरे पड़ा हुआ है, 1 0 पड़ा हुआ है, 0 लास्ट में आना चाहिए, है ना? तो क्या तुम्हें इसमें कुछ काम करना है, बताओ? नहीं करना ना? आई संजय, सर फोड़ दूंगा तेरा मैं अभी। इसमें कोई काम करना है? नहीं करना ना? हाँ, तो अब
इसमें मुझे कोई काम नहीं करना, तो इसका मतलब मुझे नेक्स्ट पे ले चलता हूं मैं इसे। आप देखो मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, अगर अगर मुझे मेरा एरे ऐसे मिल रहा है कि 1 है, 0 है और 0 है, मेरा आई यहां पड़ा हुआ है और जे यहां पड़ा हुआ है, तो इस केस में हम क्या करते थे, आगे बढ़ा देते थे ना आई और जे को। अरे संजय, संजय स्वाइप करते थे इसमें। संजय अगर मेरे सर में ना एक पत्थर हो मोटा सा, ठीक है, तो मैं तेरे सर में जरूर दे मारूंगा उसको। देखो इस केस में क्या करोगे तुम, मुझे ये बताओ। ये पहले से सॉर्टेड है ना, ये पहले से आउटपुट एरे है, कुछ कुछ नहीं करना है इसमें। 1 आगे बढ़ा हुआ है, 0 बढ़ा हुआ है, 0 बढ़ा हुआ है, यही तो चाहिए ना तुमको, कुछ नहीं करना। तो अब कुछ नहीं करना इसका मतलब आगे भी तो चेक करना है ना कि कुछ कुछ पड़ा ना हो। हो सकता है, हो सकता है कि आगे एक और 1 पड़ा हो, तुम्हें नहीं पता है ना, क्योंकि जो ये इनपुट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो इनपुट्स आ रहे हैं ये रन टाइम पे आते हैं, तुम्हें नहीं पता है कितने टेस्ट केसेस हैं। देखो 74 टेस्ट केसेस हैं, 74 टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो आगे तो हम चेक ही करेंगे ना, चेक करके ही पता चलेगा। हाँ तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब अब देखो बस इतना पार्ट भूल जाओ, इतना पार्ट, अभी तुम इतने पार्ट में हो, इतना पार्ट तुम्हारा एक्सपेक्टेड है ना आउटपुट में, आउटपुट में एक्सपेक्टेड है ना। यस या नो सारे गाइस, एवरीवन एक्सपेक्टेड है ना। तो आगे का चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं, 2 पॉइंट है मेरे पास, आगे का चेक करने के लिए क्या करूंगा, जल्दी फटाफट से बता दो मुझे। इंक्रीज बोथ या दैट्स आई वांट टू लिसन। तो क्या करूंगा, इनको इंक्रीज कर दूंगा, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, क्योंकि मेरा जिस पार्ट पे मैं खड़ा हूं वो तो भाई सॉर्टेड ही है। तो अब जब मैं इसको बढ़ाऊंगा, लेट सपोज यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, आई यहाँ पे आ गया और जे यहाँ पे आ गया, तो अब ये स्वैप हो जाएंगे ना, तो अब मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 110। आया ना मजा, हाँ लेट्स रन इट। आ गया, इस बार तो ब्रेक नहीं हुआ ना, हाँ क्योंकि अब ये इतना ही है कंडीशन, तो यहां पे आएगा प्लस प्लस होगा और जे बढ़ जाएगा, क्योंकि जे देखो आई यहां पे आएगा, जे यहां पे आएगा, कहां पे आएगा, देखो देखो आई यहां पे है, जे यहां पे है। अब जब ये कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई, ये भी मैच नहीं हुई, आपने दोनों को प्लस प्लस कर दिया, तो जे बाहर पहुंच गया आउट ऑफ बाउंड में, हमने कंडीशन लगा रखी है, ब्रेक हो जाएंगे यहां से, वापस आ जाएगा जैसे अरे था, कोई कंडीशन हुआ ही नहीं उसमें, क्योंकि कुछ होना ही नहीं था। चलो अब एक बार डीबग करके समझाते हैं, बट पहले इस कोड को यहां से चला देते हैं, ठीक है, सबमिट। हो गया काम, सारे टेस्ट केस पास हो गए, ठीक है। हाँ मतलब ये कह रहा है कि इसको तुम और अच्छा कर सकते हो कोड को, तुमने 26.37% को जो जावा यूजर्स हैं उनको बीट किया है, ठीक है, ये और अच्छा हो सकता है, बट हाँ तुम्हारे इंटरव्यू के लिए ऑर्डर ऑफ एन में हो रहा है, सब बढ़िया है, मतलब कोड तुम्हारा 3 मिली सेकेंड ले रहा है। इन सब चीजों पे ध्यान मत दो, बस ये कोड चल जाना चाहिए, ठीक है, ये सब लीथ कोड की फंक्शनलिटी, ये गलत भी बताता है कभी कभी, ठीक है, ये डिपेंड करता है लीथ कोड की फंक्शनलिटी पे, तो इन सब पे ध्यान मत दिया करो ज्यादा, ये बहुत टाइम गलत भी बताता है, ठीक है। तो देखो एक बार कंपाइलर एरर, एक बार टाइम एग्जिस्ट हुआ और एक बार एक्सपेक्टेड हो गया, ठीक है। अब इधर देखो जरा डीबगिंग पढ़ते हैं, डीबगिंग पढ़ते हैं, हम पुराने वाले लूप पे उस पे एरे पे चलते हैं। नहीं, देखो मेरा मेरा ये क्या था, पुराना वाला क्या था, 0 10 3 12, राइट, हाँ भैया। अब मैंने बोला कि यहां पे मैं डीबगर लगा रहा हूं, देखो मैंने ये लाल मार्क लगा दिया, डीबग कर दिया, डीबग कर दिया,
बढ़िया। देखो अभी तुम्हारा एरे क्या है, 0 1 0 3 12, समझ में आ रहा है? सब लोग मेरे साथ है, बताओ। अगर नहीं साथ है तो छोड़ दो डिबगिंग, बताओ। दोनों चीजें देखना, दोनों चीजें देखना। अभी ARR की लेंथ कितनी है? 5, ठीक है। अब देखो मैं एक एक करके आगे चलता हूं, ये बटन है एक एक करके आगे ले जाने वाला। अरे संजय पता कैसे चलेगा यार, यहां पे लगा दो बस लाइन पे, तेरे को यहां रोकना यहां लगा दे, मुझे यहां रोकना यहां लगा दो, बस जहां रोकना है वहां लगा दो, मुझे यहां रोकना है कंपाइलर तो मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। चल आगे चलते हैं। अब देखो ये ट्रू आ रही है कंडीशन, यानी कि जे की वैल्यू कितनी है, देखो इधर कुछ दिख रहा है तुम्हें, ये प्रिंट होता हुआ, जे की वैल्यू 1 है, ठीक है। आ जाओ देखो ये कंडीशन भी हमें ट्रू दिख रही है प्रिंट होती हुई, कैसे? ये देखो इतने को सर्च करो, इस पूरे को उठा लो, ये पूरे को उठा लो और यहां पे जाओ इवेल्यूएट में, ठीक है। और एक सेकेंड, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूं मैं और मैं इवेल्यूएट में चला जाता हूं और मैं यहां रख देता हूं। क्या है ये? ट्रू आई कंडीशन, ट्रू आई। हाँ भैया हम चल देंगे। तो अब ये एरे देखना नीचे, ये एरे दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें ये नीचे? हाँ अब इसको बदलते हुए देखना, देखो देखो है ना, यानी कि ऊपर का नंबर स्वाइप हुआ, 0 0 0 हो गया, लेकिन अभी टेम्प डालेंगे तो 1 हो गया, ठीक है। दोबारा चला, ठीक है। अब देखो ये वाली कंडीशन चलेगी क्या, चलेगी क्या 0 0 नॉट इक्वल टू 0 वाली? देखो नहीं चली वो वाली, नहीं चली ये वाली, चलेगी क्या? हाँ क्योंकि दोनों में 0 0 है, आई और जे यहाँ पे आ गया, ठीक है। जे को इंक्रीज कर दिया, अब जे की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि 0 1 2 3 यहाँ पे जे है, ठीक है। और आई की वैल्यू क्या है? 1, यानी कि 0 1 आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है। तो अब 0 और 3 में स्वाइप मारेंगे, 0 और 3 में स्वाइप मारेंगे तो 3 आगे आएगा, देखना। अभी देखो आ गया 3 आगे आएगा, आ गया 3 आगे आ गया जी, ये देखो 1 3 0 0, बढ़िया। अब देखो फिर से स्वाइप मारा, अब 12 आगे आ जाएगा, ठीक है। तुमने एक चीज देखी थी यहां पे नीचे कहीं लिखा रहा था एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये देखो यानी कि जे की वैल्यू 5 से ज्यादा चली गई है लेकिन एरर नहीं आएगी, ये तुम्हें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि तुम डिबगर में चला रहे हो। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या कह रही है, देखो फॉल्स, यानी कि जे की वैल्यू अपने इंडेक्स से ज्यादा चली गई है, समझ में आया? समझ में आया? हाँ ठीक है, बस वापस आ गए, ये लो ये रहा। डिबगिंग समझ में आई कैसे करनी है, कैसे देखनी है एक एक चीज? देखो अभी तुम्हारी इनिशियल क्लासेस है इसलिए मैं तुम्हें सारा टाइम पूरा 1 घंटा क्वेश्चन में बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होंगे, इंटेलिजे में भी बता रहा हूँ, लीथ कोड पे भी बता रहा हूँ। जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी ना तो मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि कम से कम हम 1 क्लास में 2 से 3 क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, ठीक है।